वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे एक्ट्स को जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, उन्हें एक साथ रिटेन कैसे करना है। देखो, पढ़ते तो सब है, लेकिन जो मुद्दा आता है वो है रिविजन का, वो है याद रखने का, रिटेन करने का। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप एक या दो एक्ट पढ़ करके ठंडे पड़ गए, राइट? आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, आपको एटलीस्ट 8 से 10 एक्ट पढ़ने, एंड दिस इज द लीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। कई जगहों पर 15 15 18 18 एक्ट भी पूछे जाते हैं, कई जगहों पर और ज्यादा। इनफैक्ट देर वॉज अ टाइम जब राजस्थान जुडिशरी में 35 एक्ट पूछे जाते थे, एंड दैट इज वॉट मेड दीज एग्जामिनेशन चैलेंजिंग, राइट? नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको 4 से 5 ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे आप सीखेंगे कि कैसे इतने सारे एप्स को पढ़ना है और अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है। क्यों ये आपको करने की जरूरत है, मुझे ये बताने की शायद आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन इस नेचर का है कि रिकलेक्शन बहुत जरूरी है, वो चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके लॉजिक से काम नहीं चलेगा, रिटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड वी कम टू द वेरी फर्स्ट टिप, दैट इज स्पेस्ड रेपिटेशन एंड एक्टिव रिकॉल। व्हाट इज स्पेस्ड रेपिटेशन? देखो, आपने आपने शायद एक एक शब्द सुना हो, फिबोनाची स्कीम। कई लोग फिबोनाची भी कहते हैं, राइट? फिबोनाची स्कीम इज कि एक, फिर एक, राइट? एक, सॉरी, फिर दो, फिर तीन, पांच, पांच और तीन आठ, राइट? सो पिछला नंबर जुड़ता जाता है जिससे नेक्स्ट नंबर आपका बनता है। अब इतने इतने दिन का आपको गैप लेना है वाइल रिवाइजिंग, ठीक है? आज आपने पढ़ा पहला रिवीजन, आज अगला रिवीजन कल सुबह, अगला रिवीजन एक दिन छोड़ करके 3 दिन बाद, अगला रिवीजन 5 दिन छोड़ करके, अगला रिवीजन 8 दिन छोड़ करके। तो सब ऐसा नहीं, मैं आपसे रोज वही चीज रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको एक मेथड से रिवाइज करने के लिए बोल। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपने मन से बना लो, लेकिन ये चीजें जरूर फॉलो करना कि आज पढ़ा है तो पहला रिवीजन आज ही, दूसरा कल। इतना आप अपना फिक्स रखिएगा, भले फिर आप उसका अगला रिवीजन 5 दिन बाद करो, उसका अगला रिवीजन 15 दिन बाद करो, उसका अगला 1 महीने बाद करो, आई डू नॉट केयर। आपको जो चीज ज्यादा बेटर लग रही है आपकी तैयारी के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, आप उसको अपनाइए। लेकिन ये जो मैंने आपको पहला पहला आइटम बताया है कि पहला रिविजन सेम डे, अगला रिविजन नेक्स्ट डे, वो पकड़ करके जरूर चलना। बिकॉज अगर आपने ये नहीं करा, आज पढ़ा है और पहला रिवीजन 5 दिन बाद भूल चुके होंगे, यकीन मानो आप यहां हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? एंड बहुत सारे बच्चों की जो गलतियां हैं उनसे हम भी सीखते हैं, और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो इन बच्चों को करते हुए देखते हैं तो हमें समझ में आता है, यस दिस इज वर्किंग, दैट इज नॉट, राइट? एंड दिस इज हाउ वी कम टू दीज सजेशंस जो आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो दिस इज स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन इज कि थोड़े थोड़े समय बाद हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एक्टिव रिकॉल की दोस्त, जिसको आप अपना सकते हो। मैं कई बार अपने एक परिचित की कहानी बताता हूं, जो कि जिसने मुझे बताया था, एक स्टूडेंट, कि यार यहां से हम जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते में 3 रेड लाइट पड़ती हैं, और उस रेड लाइट पे खड़े होकर करने के लिए तो कुछ है नहीं, 2 व्हीलर पर जाते हैं। तो वहां खड़े होकर के मैं उतने पूरे टाइम सिर्फ यही सोचता हूं कि आज सेक्शन 1 में ये था, सेक्शन 2 में ये था, 3 में ये था, 4 में ये था, 5 नहीं याद आया, तो फिर 5 को मैं उसी समय या तो रेड लाइट क्रॉस करके, वेल ऑब्वियसली कॉमन सेंस निकल करके, मैं उसी टाइम पे क्लैरिफाई करता हूँ कि 5 में ये था, या फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ अपने ही हाथ पे कि यार 5 मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर उसको रिवाइज कर लेता हूँ। दिस इज एक्टिव रिकलेक्शन। एक्टिव रिकलेक्शन की दूसरी टेक्निक होती है टेस्ट, खुद को टेस्ट करना, ताकि आप एक्टिवली उसको घसीट करके लाओ। क्योंकि क्या होता है ना, रिविजन में एक बहुत कॉमन गलती मैं बताता हूँ जो होती है, कि बच्चा रिवाइज करने के लिए बैठा, उसने कहा सेक्शन 1 हेडिंग है, अच्छा हाँ ये तो आता है, छोड़ो सेक्शन 2 पे चलते हैं, नहीं आता है। आप इस चीज को सबसे पहले अपने दिमाग से बाहर निकालिए कि आपको वो चीजें आती हैं। जब तक आपके दिमाग में रहेगा हाँ मुझे तो आता है, तब तक आप उसको इंप्रूव, प्रैक्टिस, रिपीट करने से बचोगे, वही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। सो एक्टिव रिकलेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेस रेपिटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लिंकिंग प्रोविजंस टू लैंडमार्क केसेस फॉर बेटर रिकलेक्शन। जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो, आपने कभी भी सुना हो, मैंने इंडेक्स नोट्स की बहुत वकालत करता हूं, राइट? इंडेक्स नोट्स या फिर आपके रेडी देखनर्स जिसको मैं कहता हूं, उसको बनाइए, राइट?
फुल फ्लेज्ड जो आपके बड़े नोट्स हैं उनका एक छोटा प्रारूप होता है, उनका एक छोटा सा सेटअप होता है जो बहुत छोटे छोटे फर्रों में बनता है। और मैंने उसमें हमेशा कहा है कि जब आप सेक्शन लिख रहे हो, सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स और लैंडमार्क केस, ये सारी चीजें वहां होनी चाहिए। ये आपको रिकलेक्ट करने में हेल्प करेंगी। जब भी आपके सामने ऐसा पेपर आएगा, पेपर में वो सेक्शन होगा या वो केस होगा, तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिलेट करके चल रहे हो, आपके लिए वो कनेक्टेड है। और क्योंकि कनेक्टेड है, आप उसके लिए बेहतर आंसर लिख पाओगे और वो बेहतर आप आंसर आपको बेहतर मार्क्स देगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू इफेक्टिव नोट्स। इफेक्टिव नोट मेकिंग में आई हैव सेड दिस प्रीवियसली, आई एम गोइंग टू से इट अगेन। वन, आपके होने चाहिए लॉन्ग नोट्स। जो लॉन्ग नोट्स हैं इसको मैं रनिंग नोट्स भी बोलता हूं। अगर आप क्लासेस में हैं तो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग राइट डाउन। टू, आपके होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, यानी कि रेडी रेकनर्स या फिर इंडेक्स नोट्स, जो भी आपके लिए बनाना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान पड़े। लेकिन इसमें यह होना चाहिए कि भाई मैं एक छोटे छोटे फर्रे बना रहा हूं, उन फर्रों से मैं रिवाइज करने वाला हूं। ये ऐसे होने चाहिए कि मैं 15 20 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ डालूं सिर्फ इन फर्रों की मदद से। तो उसमें क्या है, मुझे पूरा सेक्शन नहीं लिखना। आपने उठाया, सेक्शन नंबर डाला, हेडिंग डाली, दो तीन इंग्रेडिएंट जितने भी हैं वो लिखे, नो एक्सप्लेनेशन। लैंडमार्क केस जो है वो लिखा, याद नहीं रहेगा तो उसका जो रेशियो है वो लिख दिया, खत्म। एक पैराग्राफ में आपका पूरा सेक्शन खत्म। हो सकता है आपने इसी पैराग्राफ के लिए अपने लॉन्ग आंसर में 4 से 5 पेजेस का टाइम दिया हो, या आपके लिए 4 से 5 लाइन में आ जाना चाहिए। और तीसरा, अगर आप प्रॉपरली साल साल भर या 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मेंस आंसर राइटिंग के भी सेपरेट नोट्स होने चाहिए। इन मेंस आंसर राइटिंग के नोट से ये होता है कि आपको कम से कम समझ में आता है कि किस तरीके से मुझे आंसर्स फ्रेम करने, बिकॉज लॉ आता है, केसेस पता है, ये नहीं पता कि किस आंसर में कितना लिखना है। कई बार इतना सारा लिख देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है और उतने नंबर नहीं मिल पाते, टाइम चला जाता है। कई बार इतना कम लिख के आते हैं, हमें लगता है सब तो आ गया, जो कि सही भी है, हो सकता है सारी चीज आ गई हो, पर वो सवाल 10 नंबर का है और आपने आंसर आधे पेज का लिखा है, सब नहीं आया है। एलैबोरेट करने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इन चीजों को देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए आपके पास मेंस के भी नोट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर सेपरेटली होने चाहिए। चलो, मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, क्रिएटिंग अ रिवीजन स्केड्यूल फॉर बैराक्स। देखो, बहुत कॉमनली मैंने इसके लिए शॉर्ट्स बना रखे हैं। मैं आज ये पूरे वीडियो में भी बोलता हूं कि आपकी डेली वीकली रिविजन टेक्निक्स होनी चाहिए। आपका पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, आप मन में सोचते हो कि आज मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, आज मैं इतने सेक्शंस पढ़ लूंगा, इस हफ्ते में इतना कवर कर लूंगा, इस दिन पे इतने सारे सवाल लगा लूंगा। रिविजन कौन करेगा? रिविजन तो रैंडमली होता है, आज मेरे पास टाइम फ्री है, चलो ये पढ़ा था रिवाइज कर लू। नहीं, रिविजन का एक बाकायदा शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। इसके बिना आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें आप लड़खड़ाने वाले हैं। रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। एक शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आज मैंने इतना पढ़ा, जैसा मैंने पहला पहली स्लाइड में आपको बताया, राइट, वही चीज आपके लिए काम की है। एक सेटअप बनाओ, राइट, रैंडमली नहीं। 5 दिन बाद लग रहा है ना कि आज करा, कल करा, अब 5 दिन बाद, अब 15 दिन बाद, हर सब्जेक्ट के लिए वो करो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी थिंग दैट यू रीड, हर वो चीज ऐसी होनी चाहिए। आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप डेली पढ़ रहे हैं और डेली रिवाइज कर रहे हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टडीइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होना, सिर्फ बतोलेबाजी से कुछ नहीं होना, मोटिवेशन, ड्राइव और सारी चीजें एक पॉइंट के बाद काम करना बंद कर देंगी। काम आएंगी तो दो चीजें, प्रैक्टिस और रिविजन, बस इसको ध्यान रखना। एंड लास्टली, मेंटेनिंग फोकस, अवॉइड गेटिंग ओवरवेलम्ड। कई बार ऐसा होगा कि आप जब बहुत सारे एक्ट्स पढ़ रहे होगे, वो ओवरवेलमिंग लगने लगेगा, वो आपको ऐसा लगेगा अरे यार बहुत ज्यादा हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा, हैंडल नहीं हो रहा, भूलते जा रहे हैं। टेक अ ब्रेक, ठीक है। फोकस मेंटेन करने के लिए जितना जरूरी आपकी पढ़ाई है, उतना ही जरूरी अपना खुद का ध्यान रखना भी है। मैं अपने हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये कहता हूं, खुद का ध्यान रखो, खुद को प्राथमिकता दो। ये एग्जामिनेशंस बहुत जरूरी हैं, ये एग्जामिनेशंस आपका करियर, आपका भविष्य डिसाइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर ये आपका करियर नहीं है, ये आपका भविष्य नहीं है, ये आप नहीं है। अपने आप का भी ध्यान रखिए, अपने आप को ओवरवेलम होने से बचाइए, अपने आप को फोकस रखने के लिए खुद को ब्रेक दीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। ये प्योरली बैराक रटने से संबंधित नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप किसी जिम जाने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो भी रेस्ट डेज लेता है, राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
हो सकता है कई लोग ना भी लेते हो, पर वो भी रेस्ट डेज लेते हैं, बिकॉज उस रेस्ट से आप रिकवर करते हैं और बेहतर स्ट्रांग होकर के सामने आते हैं। यही चीज हमें अपने दिमाग के साथ करनी है, हम रिटेन करते जा रहे हैं, अब हमें रेस्ट लेना है ताकि हमारा दिमाग रिकवर कर पाए, उन चीजों को बिठा पाए और हम और स्ट्रांग होकर के सामने आ पाए। दैट वॉज माई सजेशन फॉर यू फॉर रीडिंग एंड रिटेनिंग सो मेनी बेयर आर्ट्स। अगर और कोई सवाल है तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए अपने सारे लॉ कॉलेज के दोस्तों को एंड उन सबको जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।